आप मेरे और आप चिंता किसी बात कर रही नहीं, सब तैयार है। तो उन्होंने मुझे अनुमति आज्ञा दी है कि ये कार्य भी कर लें, जिससे कि इनको 4 महीनों में उपन्यास लिखावे या 1 जनवरी आए इससे पहले पहले ये पूर्ण सफलता प्राप्त कर ले। इसलिए उन्होंने कहा तांत्रिक रूप से आप करिए। और ये और कहा है कि ये इंद्रकृत या लक्ष्मीकृत या विष्णुकृत लक्ष्मी आप तक योग नहीं करवाए, दीक्षा नहीं देनी है। ये दीक्षा स्वामी सच्चिदानंद प्रणीत दीक्षा है जो उन्होंने इसकी रचना की है, उन्होंने आज तक मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं कि सन्यासी को मैंने दीक्षा दी हो या और किसी सन्यासी ने किसी को दीक्षा दी हो। आज तक मैंने देखा नहीं मैंने किसी ग्रस्त को दीक्षा दी हो। आज तक मैंने देखा नहीं कि गुरुदेव ने ये कहा कि यह मैंने जो महालक्ष्मी दीक्षा बनाई है वह 4 वेदों में 5वां वेद है। 4 वेद तो छोटे चीज है, इसलिए यह मेरे बिना अनुमति के तुम नहीं दोगे। आज मैंने उनसे निवेदन किया, इनका कि जब आप ये कह रहे हैं इनको इतने ऊंचाई पर उठे कि भगवान कृष्ण की तरह राम की तरह ये अपने अद्वितीय जो पुरुष बन सकें ये मोह माया छोड़ के अपने कर्तव्य पालन करते हुए, उनका कि ये मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ पहली बार, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी में पहली बार आज्ञा मुझे दी है। और यह स्वामी सिद्धिदानंद प्रणीत सिद्धात्री सिद्धिदात्री महालक्ष्मी दीक्षा है और यह मेरी आज्ञा है गुरु के रूप में आप सबको इस दीक्षा में भाग लेना ही है, आराध्य लेना है, लेना ही है। इसमें कुछ डिफरेंट बैठाई नहीं, वो नहीं, वो समाप्ति के बाद में आप सब बैठ जाएंगे और यहाँ का स्टाफ आपको तिलक कर देगा, मौड़ी बांध देगा और महालक्ष्मी पूजन शुरू कर देंगे। वहाँ आपके सामने पार्थ की लक्ष्मी और पार्थ गणपति आपके सामने हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि तो जीवन पर्यंत आने वाले 7 पीढ़ियों तक वो निक रहेगा। इसलिए वो फिर आपने दीक्षा लेने के बाद में वो तैयारी करके आप बैठ जाएं, मैं माता जी को तैयार करके लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आज महालक्ष्मी भी साथ होनी चाहिए, खाली नारायण से काम करते जाएंगे। तो अब आपके सामने 2 कार्य रहे हैं स्वामी सच्चिदानंद प्रणीत। आप देखोगे कितनी अद्भुत चीज है, आपको दीक्षा देखोगे, क्योंकि आप मैं दीक्षा दूंगा और आपके सामने उनका बिंब उनका चेहरा सामने साथ दिखाई देगा, ये इसकी गारंटी है, ये चैलेंज की गारंटी है। और उसके बाद में सीधा पैकेट आपके पास होगा ही मुसावे बने, और अगर नहीं लिया तो ले लें। और आज के दिन स्मारक की पूजन में आप भाग लें, मैं उसी विशेष मंत्रों से, बिन मंत्रों में नहीं, जो सिद्धाश्रम के स्वामी सिद्धानंद जी के मंत्र हैं उन मंत्रों से स्वामी लक्ष्मी पूजन करवाऊंगा और विशेष विधि के साथ में बहुत आनंद के साथ करवाऊंगा। 2 कार्य बाकी रह गए हैं और दोनों कार्य मैं आपको आधे घंटे के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि टाइम नजदीक आ रहा है, स्मारक पूजन में समय पर करवाऊंगा। इसलिए पहले आप दीक्षा का क्रम शुरू करेंगे और दीक्षा क्रम शुरू करने के बाद दीक्षा मिल जाएगी, क्योंकि ये दीक्षा होगी तो ही वो दीक्षा हो पाएगी, ये दीक्षा नहीं होगी तो वो नहीं हो पाएगी। वो तो पाएगी मगर वो इफेक्ट नहीं हो पाएगा, जो अपने आप में पूर्ण अंदर के अंदर उतर जाए वह एक चीज अलग है। इसलिए उस दीक्षा के लिए आपको आधे घंटे ही टाइम मिलेगा। स्टाफ को कहता हूँ जल्दी जल्दी इनको ये कर दे, जिससे कि वो कंप्लीट होकर बैठ जाए, उसके बाद में दीक्षा मिल जाए और तुरंत उसके बाद में वो पैकेट आपके पास लिया उसके लेने की जरूरत नहीं, वो पैकेट लेकर के आप यहाँ बैठ जाएं। मैं जो समाचार मिलेंगे माता जी को लेकर आ रहा हूँ और मैं पूरी विधि के साथ में महालक्ष्मी पूजन जो मुहूर्त आ रहा है, इसलिए आप आधे पौन घंटे में तैयार होके दीक्षा लेकर के खड़े हो जाएं, बस बैठ जाएं, इसमें विलम्ब नहीं करें। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूँ और कल्याण कामना करता हूँ। माता जी की आज के आनंद की सासुसाद परिवार की हर हर भैया शांति से आपके मन में परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों का चिंतन होना चाहिए। और याद रखिए यह योग स्वामी सच्चिदानंद प्रणीत दीक्षा है, दोनों हाथ इस तरह लेकर के गुरुदेव के साथ जाएंगे, हृदय के हाथ रख करके इस तरीके से गुरुदेव को पास जाना चाहिए। Thank you.
वतन की, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, वतन की गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, माताजी की जय, आज के आनंद की जय, साधक परिवार की। या पारदेश्वर गणपति लिया है या पारदेश्वर यंत्र लिया है वह भी आप सब निकाल करके रख लें। बहुत कुछ पा गुरुदेव जी के चरणों में हम लोग पूजन के लिए उनके उनसे निवेदन करते हैं, उनके दिव्य चरणों में प्रार्थना करते हैं और हमें जो भी सिद्धि, जो भी सफलता, जो भी लक्ष्मी पूजन, जो भी सिद्धेश्वरी लक्ष्मी पूजन हम संपन्न करेंगे भैया लावा पद्धति से, वह सब मूलतः गुरु कृपा पर ही आधारित है। यह हमारा परम सौभाग्य है, आज माता जी भी पधारी हुई हैं। हम जोर से पांच बार जय घोष कर पंचोपचार पूजन परम पूज गुरुदेव और वंदनीय माता जी का करेंगे। जोर से पांच बार आपको जय घोष बोलना है। परम पूज गुरुदेव की जय, 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 परम पूज माता जी की जय, माता जी की आज के आनंद की साधक परिवार की साधक परिवार की महाराज की साधक परिवार की आज के आनंद की। आप लोग बैठ जाएं, बीच में उठे नहीं और पूरी पूर्णस्थ मनोयोग पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन शास्त्रोक्त तांत्रोक्त और परमपाल स्वामी सच्चिदानंद जी के द्वारा प्रणीत उन सभी को मिला करके मैं यह प्रयोग अभी मूर्त है और सिंह लग्न है और सिंह लग्न में ये कार्य संपन्न करवा रहा हूँ जिससे कि आपको सभी दृष्टियों से सफलता मिलेगी। किसी प्रकार की इस जीवन में नहीं बल्कि सात पीढ़ियों में भी किसी प्रकार के हमारे जीवन में आर्थिक अभाव नहीं रहे, ऐसा ही मैं प्रयोग करवा रहा हूँ। ऐसे ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। सामने पाद लक्ष्मी पाद गणपति हो तो निकाल करके बाहर रखें, कुमकुम आपके सामने है, अक्षत आपके सामने है, प्रतिपति दोनों हो साथ में बैठ जाएं या अलग अलग बैठे अलग जैसा भी चाहो बैठ सकते हैं, उसको पूछते हैं। इसमें कोई भी भाग ले सकता है, प्रति पुरुष हो स्त्री हो बालक हो बालिका हो वृद्ध हो कोई भी भाग ले सकता है। संगीतकारों का लक्ष्मी पूजन मैं खुद करवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ उनको मिल रहा है जनता नहीं बोले जाए साथ मेल पैकेट भी आपके सामने खुला है वो खोल दीजिए, जो पहले साधक बने थे और मेल पैकेट था वो खोल दीजिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।